नमस्कार दोस्तों, आज हम श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 36, 37 और 38 पर चर्चा करेंगे। पापम एव सरेद अस्मान्नात् वेदानतथाहिना तस्मान् नरः वयम् हन्तुम् धार्तराष्ट्रां सह बान्धवान् सहजनम् एकथम् अथवा सुखीन् स्याम माधवा। इस श्लोक में अर्जुन कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़ने को मना करते हुए भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, यदि हम इन आक्रमणकारियों को मारते हैं तो पाप हम पर हावी हो जाएगा, इसलिए हमें धृतराष्ट्र के पुत्रों और हमारे बंधुओं को मारना उचित नहीं है। हे माधव, अपने ही स्वजनों को मारकर हम सुखी कैसे रह सकते हैं? इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि युद्ध और हिंसा से कभी भी सच्ची खुशी नहीं मिलती। अद्यते न पश्यन्ति लोगो पहता चेत सह कुलक्ष्य कृत दोषम मित्र दोहे च पातकम कथम न जनेयम अस्माभिः पापात् अस्मान् निवारयति तुम कुलक्ष्या कुतम दोषम परप्रस्यादाभिर् जनार्दन। इस श्लोक में अर्जुन अपने मन की स्थिति और अपने दुश्मनों की मानसिक स्थिति के बीच अंतर बताते हैं। अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं, हे कि उनके विरोधी जो लोभ के कारण अंधे हो गए हैं, परिवार के विनाश और मित्रों के साथ विश्वासघात में कोई दोष नहीं देख रहे हैं, लेकिन अर्जुन और उनके साथी इस पाप को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और इस युद्ध को करने से पीछे हटने का प्रयास कर रहे हैं। इस श्लोक के माध्यम से हमें अर्जुन यह शिक्षा देना चाह रहे हैं, हमें अपने कार्यों के परिणामों को समझकर सही और गलत का भेद करना चाहिए, अर्थात सदैव अपने कार्य को सोच समझकर और धर्म के मार्ग पर चलकर करना चाहिए। धन्यवाद। राधे।